अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिस्मिल्ला फिशिंग में। वेल दोस्तों, आज एक स्पेशल हुक बेट के बारे में बात करेंगे, जो कि बेसिकली एक तरह का तेल है एक्चुअली, और ये एक ऐसा चीज है जो कि बेसिकली कतला पकड़ने के लिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। अभी हाल फिलहाल एक फल होता है जो कि डाब के गांच जैसा, ताल गांच जैसा होता है, तो उसी की तरह एक देखने वाला गांच होता है, दरख्त होता है जिसपे ये फल होता है। इसकी फोटो मैं आपको अभी दे दूंगा इंशाल्लाह, इसके बारे में बताऊंगा अभी। तो इसको आपको, अगर आप कतला के लिए पकड़ने जा रहे हो तो इसको आप बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं, हत्ता कि हर तरह की मछली लग सकती है, पर यह बेसिकली तैयार किया जा रहा है। जो मेथड अभी मैं बताने वाला हूं, ये बेसिकली कतला मछली को टारगेट करता है जिसको भाकुर कहते हैं कुछ कुछ जगहों में। उसकी फोटो आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं मैं। तो इस मछली का जो मैं अभी इंग्रेडिएंट बताने वाला हूं, एक तेल के तरह ये बनेगा और राइस के तरह रहेगा, उसमें थोड़ा तेल भी रहेगा। तो इसको आपको सत्तू के साथ अच्छे से पॉलिश करना पड़ता है और ऊपर से आप लेपिंग के तरह या इसमें डिप करके फेंकेंगे तो इसमें आपको कतला मछली पकड़ाएगी। तो वो जो फल जिसके बारे में मैं बता रहा हूं दोस्तों, वो एक्चुअली हमारे बंगाल में उसे ताल कहा जाता है। इसकी फोटो आपके स्क्रीन पे दे रहा हूं। इसमें ये ताल होता है, इसके अंदर तीन तरह का एक फ्रूट निकलता है जिसको ताल सास कहते हैं हम लोग यहाँ पर ही लोकल जबान में। तो हमें नहीं पता कि आपके वहां पर ये से क्या कहते हैं। अगर आपके इलाके में ये चीज मिलता हो, अभी सीजन हाल फिलहाल ही गया है तो मैं उसका ऑलरेडी बना के रखा हुआ हूं पर अभी दिखा नहीं पाऊंगा, तो मैं आपको बता करके चला जा रहा हूं। जब ताल पक जाता है, एकदम ज्यादा पक नहीं जाए, ज्यादा पक जाने से फिर वो तीता लग जाता है, उसमें पिल्लू भी ज्यादा हो जाता है, कीड़ा भी ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा मत लीजिए, पका हुआ लीजिए। देखिएगा बाजार वगैरह में, अभी तो सीजन नहीं है, जब सीजन आएगा तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बना करके रख सकते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट देगा ये। तो जब पक जाता है तो बाजार में बिकता भी है, तो उसको आपको लेके आना है। उसके ऊपर में एक छिलका होता है जो कि ब्लैक या फिर बैगनी कलर का होता है, जामुन कलर का होता है। वो छिलका को आपको हटाना है। हटा लेने के बाद ताल को किसी ऐसे औजार के ऊपर, वो छिलका हटाने के बाद कुछ ऐसे औजार के ऊपर जो इसको खीरा छिलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्याज व्याज काटने के लिए, बेसिकली ये खीरा छिलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको शायद ग्रेटर कहते हैं या क्या कहते हैं पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। तो इसके ऊपर अगर आप घसेंगे तो नीचे से इसका जो जूस है या फिर इसका जो काई जैसा जो लिक्विड है वो नीचे से निकलता रहेगा, ठीक है। एक पतेला नीचे रखिए, इसको ऊपर ये रखिए और ताल का वाला पकड़ करके इसको घसते रहेंगे तो इसमें बहुत सारी लिक्विड गिरते रहेगी। तो ये जो लिक्विड गिर रहा है इसमें गाढ़ा सा लिक्विड होगा, येलो कलर का या फिर ऑरेंज कलर का, डार्क ऑरेंज या फिर लाइट ऑरेंज कलर का होगा या येलो कलर का होगा निकलेगा, तो वो वाला आपको लेना है, ठीक है। वो लिक्विड आपको लेना है तकरीबन 200 से 250 ग्राम, ठीक है, 200 से 250 ग्राम आपको लेना है। और याद रहे दोस्तों, ताल साज पका हुआ होना चाहिए, पका हुआ रहेगा तभी इसमें से लिक्विड निकलेगा और इसमें बहुत बेहतरीन खुशबू आएगा। जो पका हुआ रहता है उसको आप रॉ भी खा सकते हैं, पर ध्यान रहे पका हुआ रहना चाहिए, पर इतना भी पका हुआ नहीं होना चाहिए जिसमें कीड़े लग जाए। हालांकि कीड़ा लगा हुआ है और मीठा है तब भी सुगंध से आपको पता चल जाएगा कि मीठा खुशबू है वो। तो कीड़ा लगा हुआ भी रहेगा तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसमें थोड़ा किरात लगता है, घिन जैसा लगता है, तो आप पका हुआ लेके आए जिसमें कीड़ा ना हो। तो वो कैसे करके आप नोटिस करेंगे, जब आप ताल लेने जाएंगे तो ताल का थोड़ा साइड से फाक करके देखेंगे तो उसमें अंदर में अगर कोई कीड़ा का एहसास नजर आए आपको, कीड़ा वगैरह छोटे छोटे कीड़े पिल्लू होंगे, अगर वो नजर आए तो उसको छोड़ देना, और अगर नजर नहीं आए इधर उधर थोड़ा उंगली उंगली करके उधर उधर फाड़ उड़ के देख लीजिएगा, तो आपको सबूत सही साबुत अगर लग रहा है इसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं है तो उसको आप खरीद के लेके आए, उसका पका हुआ होना चाहिए मगर, और उसी को आप ऐसे ही किसी ग्रेटर में आप अच्छे से लगड़ करके इसका जूस निकाल दिए जो तकरीबन 200 से 250 ग्राम होगा। फिर जो दोस्तों आपको लगेगा सेकेंड इंग्रेडिएंट, वो है एकांगी। एकांगी ये जो देख रहे हैं आप, मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एक मिनट, यह है दोस्तों एकांगी, ठीक है। मैं आपको इससे पहले एकांगी कभी इतना दिखाया नहीं हूं करीब से। ये जो देख रहे हैं एकांगी है, ये कुछ देखने में तो अदरक जैसी लगती है, सूखी हुई अदरक जैसी लगती है, मगर ये अदरक होता नहीं है दोस्तों। तो एकांगी आपको सिर्फ लगेगा तो सिर्फ एक पीस, ये जो मैं क्वांटिटी के हिसाब से बता रहा हूं उसमें सिर्फ आप एक पीस एकांगी लीजिएगा। अब इसको आपको अभी जो जो मसाला का नाम मैं बता रहा हूं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कह चुका हूं कि एकांगी एक ऐसा मसाला है जो कि हर तरह की मछलियों को दरकार होता है, ठीक है। बहुत सारे हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं जो कि समझते हैं कि एकांगी सिर्फ टेंगरा मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है या फिर सिंघी मछली, सिंह मछली पकड़ने में इस्तेमाल होता है, तो ऐसा नहीं है, एकांगी हर तरह की मछली को लगता है।
तो ये आप एकांगी का एक टुकड़ा ले लीजिएगा। फिर जो आपको दोस्तों लगेगा वो है गौड़बौच। गौड़बौच इसको कहते हैं, ये है गौड़बौच, ठीक है। ये जो लकड़ी का टुकड़ा देख रहे हैं आप, ये गौड़बौच है। और मैं कोशिश करता हूं कि इसका इंग्लिश में क्या नाम होगा वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूं, कोशिश करता हूं, पर कंफर्म नहीं कहता हूं कि हम दे ही दूंगा। अगर मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं दे दूंगा। तो ये गौड़बौच है, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये गौड़बौच है, लकड़ी का टुकड़ा जैसा देख रहे हैं आप। देखिए ये गौड़बौच है, ठीक है। हम लोग यहां पर ही लोकल जबान में इसको गौड़बौच कहते हैं। तो गौड़बौच जो आपको लगेगा तकरीबन दोस्तों, वो आपको जो लगना है वो तकरीबन आपको 1 इंच बराबर लगना है गौड़बौच। इस चीज को बनाने के लिए सिर्फ 1 इंच लगना है। इसको आप छोटे 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 टुकड़ा में काट लीजिएगा कैंची से, या कोई ऐसी चीजों से, अगर कैंची की मदद से काट लीजिएगा, बड़ा कैंची की मदद से तो कट जाएगा आराम से। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ा में कर लेना है गौड़बौच को। फिर जो चीज आपको लगेगा दोस्तों वो ये है कि आपको लगेगा स्टार फूल। स्टार फूल किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, ठीक है। ये जो चीज आप देख रहे हैं ये स्टार फूल है। ये आपको किसी भी ग्रोसरी दुकान जहां आटा चावल दाल वगैरह मिलता है वहां बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें स्टार फूल का, ये जैसे कि एक फूल है तो इसका सिर्फ एक हिस्सा, ये जो एक हिस्सा देख रहे हैं, ये एक हिस्सा, ये जो लंबा सा निकला हुआ है, ये सिर्फ एक हिस्सा तोड़ करके आपको लगेगा। पूरा फूल नहीं डालना है आपको, आधा नहीं डालना है, एक चौथाई नहीं डालना, सिर्फ एक ये पंखड़ी डालना है। एक पंखड़ी, जैसे कि ये मैंने एक पंखड़ी, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जैसे कि मैंने एक पंखड़ी अगर तोड़ा तो ये कितना होता है, बस ये एक पंखड़ी आपको लगेगा इसमें, ठीक है। फिर जो दोस्तों आपको लगेगा वो है जावित्री। अब जावित्री की, जावित्री मेरे पास अभी नहीं है तो मैं आपको फोटो के जरिए दिखा दे रहा हूं। तो जावित्री जो दोस्तों आपको लगेगा वो तकरीबन आधा फूल। जावित्री एक्चुअली एक फूल होता है डार्क ऑरेंज कलर का या लाल कलर का समझ लीजिए। तो उसका आधा फूल, फूल जितना बड़ा है बस उसका आधा हिस्सा आपको लेना है इसके लिए। फिर जो आपको लगेगा दोस्तों वो है इलायची। इलायची भी आप जानते हैं, इसकी फोटो आपके स्क्रीन पर मैं दे दे रहा हूं इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। तो इलायची भी जो चीज है दोस्तों वो भी आपको तकरीबन 4 से 5 पीस लेना है, ठीक है। जायफल, जायफल जिस इसे कहते हैं दोस्तों, ये है जायफल। इसके अंदर ही जायफल, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो देखिए इसके अंदर जायफल निकलेगा। ये है जायफल, ये थोड़ा खराब सा हो गया है, दरअसल अच्छा वाला मैं दिखाता हूं, आ बाबा थोड़ा सख्त है, दरअसल ये जायफल है। तो इसका 1/4 हिस्सा आपको लेना है जायफल का। अब क्या करना है दोस्तों आपको, कि आपको आपने ले लिया एकांगी, आपने ले लिया गौड़बौच, आपने ले लिया स्टार फूल, आपने ले लिया जावित्री, आपने ले लिया जायफल और आपने ले लिया इलायची। अब आपको लेना है कांगला। कांगला किसे कहते हैं? ये है एक नंबर कांगला, देखिए आप ये जो देख रहे हैं आप, ये एक नंबर कांगला है दोस्तों। इसको कहीं कहीं हाथी कांगला भी बोलते हैं। बहरहाल तो ये कांगला जो है दोस्तों, ये आपको मीडियम साइज की, जैसे मिसाल के तौर पर ये वाली, ये सिर्फ आपको एक पीस लेना है। अब इसके साथ क्या करना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी बस थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके साथ आपको क्या करना है। घी फिर आपको लगेगा दोस्तों, वो घी आपको जो लगेगा वो 2 से 3 चम्मच लगेगा। गोविंद भोग चावल, गोविंद भोग चावल बेसिकली वो बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और उसमें एक खुशबू होती है, समझ रहे हैं आप। गोविंद भोग चावल में एक खुशबू होती है, और जैसे बासमती चावल में खुशबू होती है तो वैसे ही गोविंद भोग एक चावल होता है तो उसमें खुशबू होती है। या फिर अगर आप बासमती चावल इस्तेमाल करना चाहें या फिर कोई भी ऐसी बिरयानी बनाने वाले चावल का सेवन कर सकते हैं इसके लिए। तो चावल आपको जो खुशबूदार चावल है वो तकरीबन आपको 70 ग्राम लेना है, ठीक है। अब 70 ग्राम लेने के बाद अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिए। कांगला जो है, जिसकी फोटो मैंने अभी जस्ट आपको दिखाई थी, ऐसे ही साइज का कुछ आपको एक कांगला लेना है। जैसे कि ये देखिए, ये मीडियम साइज का है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है। तो ये मीडियम साइज का कांगला लेना है आपको। अब कांगला लेने के बाद आपको जरा सा 1 चम्मच घी डाल करके कढ़ाई में उसको कांगला डाल के उसको फ्राई करते रहिए। देखिएगा कांगला का साइज, अगर आप इतना बड़ा कांगला लेके डाल रहे हैं तो ये फ्राई होने के बाद इतना से वो इतना हो जाएगा, देखिएगा ये इतना से इतना हो जाएगा, फूल जाता है वो कांगला। कांगला जब फूल जाए तो फिर उसको लेकर के आप साइड कीजिए और उसको कोई चीज में पीस करके
अलग साइड करके रखिए और पीस लीजिए उसको। फिर आपको क्या करना है, जो गोविंद भोग चावल है, जो चावल आपने 70 ग्राम लिया, उस चावल को आपको भात बनाना है। तेज पत्ता भी आपको लगेगा दोस्तों, तेज पत्ता जो आपको लगेगा वो तकरीबन एक पीस, तो तेज पत्ता आपको वो चावल में डाल देना और उसको फुटा करके भात बनाना, जैसे कि हम लोग नॉर्मली भात बनाते हैं, ठीक है। पानी आपको सुखा देना है, और जब पानी सूखने लगे वो, तब उसमें आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, वो आपको तकरीबन 150 ग्राम उसमें डालना है। फिर जो आपको डालना है उसमें वो है राइस बान ऑयल। राइस बान ऑयल की फोटो भी आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं मैं। ये राइस बान ऑयल जो है वो भी आपको तकरीबन 150 ग्राम डालना है। हींग, हींग जो होता है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, हींग है, ये हींग है दोस्तों, ये आपको एक पिंच मतलब एक चुटकी हींग डालना है। ये एवरेस्ट का हींग है, तो कोई भी कंपनी का हींग आपको चलेगा, नटराज वगैरह कोई भी कंपनी का हींग चलेगा, पर पाउडर, हींग पाउडर हो तो ज्यादा अच्छा है। एक चुटकी हींग आपको इसमें डालना है, दो चुटकी हींग डालना है आपको। तो अब मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। फिर ये पूरा डाल करके इसको चलाते रहे, फिर सब जलने के बाद जब आपका भात रेडी हो गया, पानी सूख चुका है, तेल डाल दीजिए, दोनों तरह का प्रकार का तेल डाल दीजिए, इसमें दो चुटकी हींग डाल दीजिए, एकांगी, गौड़बोच, स्टारफूल, जावित्री, जायफल, इलायची, कांगला जो हमने अभी फ्राई किया था कांगला, इन तमाम चीजों को आपको पाउडर कर लेना है। इन तमाम चीजों को आपको हल्का फ्राई करके पाउडर कर लेना है, और पाउडर करके ये जो भात आपने बनाया इसमें डाल करके अच्छे से मिला देना है। दो चार मिनट तक इसको अच्छे से चलाते रहे, मिला देने के बाद इसको चूल्हे से उतार करके ढक करके कहीं रख दे ठंडा होने के लिए। फिर जब ठंडा हो जाए, और आपको ताल जो है, ताल भी आपको इसी टाइम ऐड कर देना है इसमें, ठीक है। ताल भी आपको इसी वक्त ऐड कर देना सब चीजों के साथ, और ताल का जो जूस आप निकाले वो सब सबको ऐड करके इसको आपको चलाते रहना है दो चार मिनट के लिए। और जब अच्छे से उसको आप देख लीजिए जिसमें का पानी जो है वो सूख गया है, तो अब तेल ही रहा है, तो उसको आप उतार लीजिए, ठंडा कर लीजिए। ठंडा कर लेने के बाद किसी कांच के बोजाम में स्टोर करके धूप में रख दीजिए, ठीक है। इसको आप इस्तेमाल तभी कर सकते हैं, थोड़ा पुराना होगा, 10-15 दिन 20 दिन जाएगा, जब वो धूप में रहेगा उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करेंगे तब भी इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और ये हमेशा कोशिश करें कि इसके ऊपर मैंने भात के ऊपर तेल रहे, ठीक है। भात हो या फिर आपका ताल हो, उसके ऊपर तेल रहे, तेल खत्म ना हो जाए, ऐसा ना करें, उसके ऊपर तेल रहे। अब जब भी आप शिकार करने को जाएंगे तो समझ लीजिए, अगर आप 100 ग्राम सत्तू का बना रहे हैं, इंग्रेडिएंट अपना आप सत्तू का बना रहे हैं, सत्तू मतलब जो होता है भुने हुए चना का, जो आटा का सत्तू वगैरह जो आप खेल रहे हैं भाकुर के लिए या कतला के लिए, तो उसमें आपको ये जो मसाला है ये आप चम्मच से निकाले 100 ग्राम निकाल करके वो पूरा एक किलो भात सत्तू के साथ अच्छे से पॉलिश कर दीजिए। पॉलिश मतलब जैसे जैसे करके पॉलिश करते हैं हम लोग, सत्तू में डाल करके अच्छे से मिला के अच्छे से पॉलिश कर दीजिए। फिर इसमें आपको जो चीज डालना है डालें, और डाल करके इसका सेवन करें, इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल इसमें आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ये बेसिकली कतला को टारगेट करता है, हालांकि कोई और मछली भी इसमें पकड़ा सकती है, मगर ये बेसिकली कतला को टारगेट करता है। इसको आप बना के देखें, और ये जितना दिन चाहेंगे आप उतना दिन वो स्टोर रह सकता है। शर्त यह है कि भात को नीचे रहने दीजिएगा, तेल ऊपर तक रहे, तेल में भात या ताल डूबा हुआ रहे, ठीक है। तो बस यही चीज है, कोई रॉकेट साइंस या कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं समझ पाओगे, बहुत ही सिंपल है। आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह इसको आपका रिजल्ट मिलेगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलता हूं कोई नया DIY या कोई नया बेट के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा।